नमस्कार, मैं रंजना सैनी और आप देख रहे हैं बिजनौर एक्सप्रेस। धामपुर अलहपुर ब्लॉक में भारतीय किसान यूनियन द्वारा 3 अध्यादेश काले बिल की प्रतिलिपियों को फूंका। आपको बता दी चले, लगभग 2 महीने से दिल्ली में चल रहे किसानों के धरने प्रदर्शन को लेकर किसान भारतीय जनता पार्टी सरकार से काफी नाराज है, जिसको लेकर आज धामपुर तहसील के अलहपुर ब्लॉक में भारतीय किसान यूनियन द्वारा 3 काले कानून के अध्यादेश के प्रतिनिधियों को फूंक कर अपनी कड़ी नाराजगी जताई। वही इसी के साथ 26 जनवरी को दिल्ली जाने की गांव-गांव जाकर तैयारियां करने की बात कही। वहीं यूपी सरकार को गन्ने के रेट बढ़ाने और गन्ने का भुगतान शीघ्र करने की बात कही। प्रदर्शन करने वालों में ब्लॉक अध्यक्ष दूसरे दिन राणा हरिराज सिंह, ब्लॉक महासचिव कविराज सिंह ठाकुर, चेतन सिंह, महेंद्रपाल सिंह, अशोक कुमार, पदम सिंह, मास्टर संतोष कुमार, इंद्रवीर सिंह, अमित कुमार, राजेंद्र सिंह, सुरेंद्र सिंह, अरविंद सिंह, अजयपाल सिंह आदि लोग मौजूद रहे। धामपुर से हमारे संवाददाता दिनेश कुमार प्रजापति की खास रिपोर्ट। राजेंद्र सिंह, तहसील अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन, तहसील धामपुर। आज जो अध्यादेश का पुतला फूंका है, क्या कहना है आपको इसमें? ये अध्यादेश का पुतला इसलिए फूंका गया है, यहाँ जो है जन जागरण अभियान चलाया जा रहा, जो किसान आंदोलित जो है 2 महीने के लगभग दिल्ली बॉर्डर पर हो गए, और सरकार का मानना यह है कि अभी केवल 24% किसान आंदोलन कर रहा, बाकी 76% किसान को अभी भी सरकार ये मान रही कि वो इस बिल के समर्थन में है, क्योंकि वो किसान आंदोलन में नहीं है, वो किसान घर से नहीं निकल रहा, इसलिए यहाँ जो है ये प्रतियां भुक्की जा रही है। अब गांव-गांव आंदोलन खड़ा होगा, ये जन जागरण अभियान के तहत ये प्रतियां भुक्की गई काले कानून की। इसी के तहत मैं अपने ग्राम मोटोरा मान में भी प्रतियां भुकवा के आया हूँ, हताई में भी मैं प्रतियां भुकवा के भी आया हूँ, और ये अगली जो लड़ाई है गन्ना भुगतान का जो मामला है, गन्ना रेट का जो मामला है, अभी हमारे चौहान साहब कह रहे थे जब हम प्रतियां जला रहे थे यहाँ कि भाई गन्ने का भुगतान दिलवाओ, बात सही है इनकी, लेकिन गन्ने का भुगतान आपका तो हो गया धामपुर मिल का पिछले साल का और आपका भी दे रहा, लेकिन मेन बिंदु है उसके रेट का, रेट आज तक नहीं पड़ा, रेट की जगह 0-0 आ रहा। तो राष्ट्रीय प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत ने 4 जनवरी को दिल्ली से घोषणा करी थी कि यूपी सरकार, योगी सरकार भी कान खोल के सुन ले, जिन मिलों पे बकाया भुगतान पिछले साल का पड़ा है या तो वो बकाया भुगतान कर दे अतिशीघ्र, और गन्ने का रेट कर दे डिक्लेयर, नहीं तो भूल मना रहे भाई योगी सरकार, 10 तारीख से आंदोलन यूपी में भी खड़ा होगा। बिजनौर की सभी ताजा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को बेल आइकन पर क्लिक कर सब्सक्राइब करें।